विधानसभा फतेहपुर के सिवा पैलेस में कारगिल विजय दिवस कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जबकि शुरुआत में हॉल में फतेहपुर क्षेत्र के क्रैश हुए विंग 21 में शहीद हुए मित कुमार की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पुष्प ज्योत अर्पित कर कारगिल ऑपरेशन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद कृपाल परमार ने कहा कि भारत द्वारा अब तक अन्य देशों के साथ लड़े गए विभिन्न युद्धों में देश के 72,000 से अधिक वीर सपूतों द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया गया है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सीमा के कारगिल में घुसपैठियों को खदेड़ने में विजय हासिल की थी। परमार ने कहा कि हमें अपने हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों पर गर्व है तथा कारगिल ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश के 52 वीर सपूतों द्वारा अपने प्राण देश की रक्षा के लिए न्यौछावर किए गए थे, जिनमें फतेहपुर के अशोक कुमार सहित जिला के जवान भी शामिल थे। परमार ने कहा कि कारगिल ऑपरेशन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वयं कारगिल पहुंचकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि विश्व में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया है, जिस कारण आज पाकिस्तान अन्य देशों से अलग थलग पड़ चुका है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए रचनात्मक योगदान दे, जो कि शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर सोमा देवी स्वतंत्रता सेनानी पत्नी गोपी जैसी राम स्वतंत्रता सेनानी निजुराम धमेटा मदन लाल रोशन लाल धमेटा विचित्र सिंह अमर सिंह अशोक कुमार रामचंद्र आदि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उनकी जो उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है उसको सम्मानित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया है। और आज पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकारी तौर पर भी इस कार्यक्रम को शामिल किया गया है। और मैं धन्यवादी हूँ जयराम ठाकुर जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज सरकारी आदेश लेकर सभी कार्यालयों में, सभी सरकारी संस्थानों में इस कार्यक्रम को मनाने के आदेश दिए। और मैं सभी प्रदेशवासियों का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने इसमें शामिल होकर अपने वीर सैनिकों को याद किया है, उनके प्राणों की आहुति को हमने याद किया है। इसके लिए सब धन्यवाद।